एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो खुलेआम धर्म परिवर्तन पर ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल सीनियर आईएएस और वर्तमान में यूपी एसआरटीसी के अध्यक्ष इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने सरकारी आवास पर इस्लामिक कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह वीडियो अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कट्टर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठे टोपी वाले लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। वह कहते हैं कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर एक ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश दुनिया में काम कर सकते हैं। वह इस्लाम के इतने फायदे गिनाते हैं कि कोई अदना सा व्यक्ति तुरंत अल्लाह की आगोश में चला जाए। आईएएस साहब कहते हैं कि ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। वह कहते हैं कि पंजाब में एक व्यक्ति ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए दावत नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उस समय का है जब वह कानपुर के कमिश्नर थे। उस दौरान उन्होंने कट्टरता परोसने में माहिर मौलानाओं को अपने सरकारी बंगले में बुलाकर धर्म परिवर्तन के इस पाठशाला का आयोजन किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ऐ कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमात, इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जबान में, इसके माने कुल के कुल इंसान। तो टेल मैनकाइंड, टेल द मैनकाइंड दैट ओ मैनकाइंड, आई एम द रसूल ऑफ अल्लाह टू यू ऑल इन टोटल, जमीआ इन टोटल, नॉट ए सिंगल हैज बीन स्पेयर्ड, तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल, अब तो कोई रसूल नहीं आ, नबी है तो कोई नबी नहीं आ, खातम नबी इज द सीड ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, देन कौन करेगा दावत की दरदा, है ना, जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नतीजे पर चलता है, इस काम को करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब, अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में है, कायम कर कहाँ गए, पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं पाए अरब में, लेकिन अभी अल्लाह के दूर का एक माम होना है, अल्लाह के दूर का एक माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूर का एक माम होना है, है ना, हर कच्चे पर पक्के घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है, तो कैसे होगा, यहाँ इनके इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको ज़रूर पकड़ेगा, है ना, इनको ज़रूर पकड़ेगा, अल्लाह ने वही सीनियर आईएएस के वायरल वीडियो ने प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्हें वीडियो के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है, अगर वीडियो सही है तो आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अल्लाह की दुताई भर चमका चमका दे, है ना, पूरी दुनिया थे आखिर तो पहले तो ऐसे ही ले लिया था, आगे बाद में हामिद ने दिन किया बता रहे थे, इनको उनका खुद ही बता रहे कि हामिद ने जो है मुनकाद से कहा,
साल तुमने कैसी किताब लिखी, किसने लिखी है, राइट के बारे में उनके जानने वाले हैं, ऐसे ऐसे मेरा भी नाम बता दिया, कोई मानते नहीं बता देते। उसने अच्छे दार्शनिक मैंने ये कह रखा उनका दिन के जरिए खबर जाएगी कि हम अपने देश के राष्ट्रपति में पहुँचे, ताकि वो भी कर कि कोई भी दुनिया से बताए कर लेके नहीं मर।